कालाढूंगी के रामलीला मैदान में प्रथम राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। प्रतियोगिता में राज्य के कई जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत ने किया है। वहीं विधायक भगत ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का मौका है कि किसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कालाढूंगी में किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि टेनिस बॉल एसोसिएशन उत्तराखंड डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार राज्य स्तरीय टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यहां से टीम चयनित तो होकर पंजाब जाएगी। कालाढूंगी से मुकेश छिम्बाल की रिपोर्ट। आज टेनिस वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशन में टेनिस बॉल एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड द्वारा पहली बार उत्तराखंड में और कालाढूंगी में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि ये कालाढूंगी को ये मौका मिला है। और यहाँ पर हमारे अभी क्योंकि मौसम खराब है, इसमें टेहरी, उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा जनपद के खिलाड़ी फिलहाल भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर टीम का चयन किया जाना है उत्तराखंड की, जो अभी हम राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता करवा रहे हैं। टेनिस वॉलीबॉल नाम हुआ इसका, टेनिस वॉलीबॉल प्रतियोगिता करवा रहे हैं। ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है और राज्य स्तरीय हो रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि कालाढूंगी में एक राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हो रही। अभी तो मेरा ख्याल दो तीन डिस्ट्रिक्टों के खिलाड़ी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आज एक शुरुआत हुई है तो धीरे धीरे एक बढ़ेगा। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इस बार हमको पूरे राष्ट्रीय स्तर के खेलों का मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस टीम का भी